Hi everyone, this is Veronica. आज हम बात करने वाले हैं एक बायो बैंक की ये इंडिया का पहला बायो बैंक है हार्ट फेलियर रिसर्च के लिए इसके क्या फायदे होंगे किस तरह से ये बायो बैंक बनाया गया है इसमें क्या काम होगा ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए पहला नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक शॉर्ट में इसको एनएचएफ भी कहा जा रहा है देश में इसको इनागोरेट किया गया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा तो ये आपको याद होना चाहिए नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक इस पर क्वेश्चन जो है किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में यूपीएससी में आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देख सकते हैं इस बायो बैंक के बारे में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं बाकी हम यहाँ से शुरू करते हैं कि बायो बैंक क्या होता है एक बायो रिपोजिट्री है जहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड उनको प्रोसेस किया जाए स्टोर किया जाए या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बायोस्पेसीमेंट्स बायोस्पेसीमेंट्स में क्या आता है जिस तरह से आपका ब्लड आ गया आपका सिरम आ गया आपके टिश्यू सैंपल्स हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है इनमें से और इससे जो डेटा हमको मिले हम उसको रिसर्च और क्लिनिक क्लिनिकल केयर में अगर यूज़ करें तो इस तरह की जगह को बायो बैंक कहा जाता है उसको बहुत अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है ये बायोस्पेसीमेंट्स मॉलिक्यूलर पाथवे समझने के लिए डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज़ समझने के लिए तो जिस तरह से आप देखते हैं कि रिसर्च होती है मेडिकल फील्ड में कोई दवाइयाँ बनती हैं किसी चीज़ का इलाज आता है वो रिसर्च करके ही आता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा किस तरह से किसी चीज़ को डायग्नोज किया जाए उस सब चीज़ों की रिसर्च के लिए ये बायो बैंक का काम रहता है जो इसमें बायो बायोस्पेसमन्स रहते हैं अब ये जो बायो बैंक है फॉर क्लिनिकल रिसर्च स्टडी देखिए कैसे काम करता है कि कोई भी इंसान बायो बैंक के लिए रजिस्टर कर सकता है उसकी खुद की मर्जी है अगर वो सैंपल देना चाहता है या नहीं देना चाहता और अगर उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो आप वो सैंपल कोई भी कभी भी दे सकता है कोई रूटीन ब्लड सैंपल कराने के लिए गया है या अपनी कंसेंट से कहीं पे भी दे सकता है जनरल बायो बैंक्स की बात कर रही हूँ क्योंकि बायो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं वहाँ से उसके ब्लड में से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसके टिश्यू सैंपल से भी किया जा सकता है और फिर उसको एक सिक्योर लोकेशन पे रखा जाएगा ये थर्ड पॉइंट है फोर्थ कि इस डीएनए से क्या होगा जेनेटिक डेटा जो है वो डिराइव किया जाएगा जिसको आगे जाके एनालाइज़ किया जाएगा कि सपोज किसी को कोई बीमारी है कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो उसके सारे सीक्वेंस की स्टडी की जाएगी डीएनए की सीक्वेंस में कि ओके इसको ये बीमारी क्यों हुई क्या प्रॉब्लम थी राइट right? तो कंपैरेटिव स्टडीज एनालिसिस उस पर किया जाएगा लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि उस इंसान की जो आइडेंटिटी है उसको नहीं बताया जाएगा जब रिसर्च साइंटिस्ट कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि ये डीएनए किसका है तो प्योरली उसको रिसर्च और क्लिनिकल केयर के काम में यूज़ किया बताया का और इन केस जब जेनेटिक रिजल्ट आते हैं तो किसी में सपोज कोई खराबी है सपोज किसी में ब्राका जीन पता चला कि इस इंसान को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है इस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर तो उस इंसान से पूछा जाएगा कि हमको कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके बारे में मिली है जो शायद आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है हम आपको ये बताना चाहते हैं तो अगर वो इंसान जानना चाहेगा वो जानेगा नहीं जानना चाहेगा इट्स ओके okay. क्योंकि बहुत बार लोग इस तरह की जेनेटिक चीज़ों को कि अगर कोई सपोज हमको बोल दे कि आपके जेनेटिक ब्लड से जो हमने जेनेटिक एनालिसिस किया है हमको पता चला है कि आपको हो सकता है कैंसर हो सके हो सकता है कि कैंसर हो अब चांसेस कितने हैं शायद हो शायद ना हो एक इंसान पूरी उम्र डर डर के जिएगा इसलिए ये राइट उस इंसान के पास रहता है कि वेदर यू वांट टू तो नो द इंफॉमेसन और यू डोंट वांट टू तो नो द इन्फॉर्मेशन इट डिपेंड्स अपॉन यू तो इस तरह से बायो बैंक्स जो हैं वो काम करते हैं तो अलग अलग तरह के बायो बैंक्स होते हैं जिसमें डिजीज सेंट्रिक काम किया जाए पॉपुलेशन बेस्ड काम किया जाए जेनेटिक डी एन पे काम किया जाए टिश्यू पे काम किया जाए कोई भी तरह के बैंक्स बायो बैंक्स इस तरह के बायो बायोस्पेसिमेंट्स पे काम कर सकते हैं तो ये अलग अलग तरह के जैसे मैंने आपको बैंक्स बताए टिश्यूज़ लिए जाएंगे कि किडनी का टिश्यू ले लिया किसी बॉडी के किसी ऑर्गन का टिश्यू ले लिया ब्लड बैंक्स होते हैं आपके ब्लड बैंक्स में काम होता है सेल बायो बैंक्स होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं डिजिटल बायो बैंक्स हैं अब हम आते हैं जो हमारा करंट अफेयर है नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक ये क्या है ये पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक है जहाँ पे ब्लड बायोप्सिस क्लिनिकल डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा फ्यूचर डायग्नोसिस के लिए किन लोगों से ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा हार्ट फेलियर पेशेंट से हार्ट फेलियर पेशेंट्स है या जिनको कोई हार्ट डिजीजेस हैं उनसे कलेक्ट किया जाएगा ताकि हम कार्डियोवेस्क्युलर सिस्टम कार्डियोवेस्क्युलर सिस्टम जो हमारा हार्ट का पूरा सिस्टम है इसको बहुत और भी अच्छे तरीके से जान सकें और यहाँ पे देखिए किस लिए दो टर्म्स में लिख रही हूँ किस लिए इसको लिया जाएगा एक तो उसकी जेनेटिक स्टडी करने के लिए डी एन में सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि डी एन का हमारा प्रॉपर सीक्वेंस होता है उसमें कोई भी चेंज आए तो कुछ भी हो सकता है उसको पढ़ने के लिए कि क्या चेंजेस हैं क्योंकि सपोज हमको बहुत सारे पेशेंट्स में ये डेटा मिलता है कि अगर यहाँ पे पर्टिकुलर ये वाला सीक्वेंस आ रहा है तो उस इंसान को हार्ट स्ट्रोक आ रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है तो हम उसको स्टेब्लिश कर सकते हैं कंपेरेटिव स्टडीज होंगी दूसरा हो गया आपका मेटा uh, इस वर्ड को देखिए मेटा यहाँ पे मेटाबोलाइट्स की स्टडी होती है इसके लिए भी इसको पढ़ा जा सकता है फिर आगे आपका प्रोटीमिक्स प्रोटीमिक्स में क्या है जो भी प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं एक ऑर्गेनिजम्स में उनको पढ़ा जाता है तो अलग अलग पर्पस के लिए साइंटिफिक पर्पस की स्टडी रिसर्च के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया गया है ताकि हम हार्ट रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनको और भी अच्छे से पढ़ सके तो बायो स्पेसिमेंट्स मैंने आपको बता दिया वो किसी भी टाइम पे कलेक्ट कर सकते हैं ब्लड सैंपल कोई देने गया है किसी की सर्जरी हो रही है आ, या फिर कोई मोलिकुलर सेल्स को स्टडी किया जा रहा है तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर क्या कह रहे हैं देर आर नो हार्ट फेलियर बायो बैंक्स इन द कंट्री हमारे देश में अभी तक हार्ट फेलियर बायो बैंक्स नहीं हैं और ये बहुत हेल्प करेंगे फ्यूचर में और ज़्यादा थेरेपीज़ और टेक्नोलॉजीज लाने के लिए जो कि हार्ट फेलियर पेशेंट्स को सिग्निफिकेंटली हेल्प करेंगे हार्ट डिजीजेस जिनको हैं उन पेशेंट्स को हेल्प करेंगे अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बायो सैंपल्स में क्या क्या कलेक्ट किया जा सकता है ब्लड सीरम टिश्यू सैंपल्स जो कि ओपन हार्ट सर्जरी के टाइम पे कलेक्ट कर सकते हैं या पी एम बी सीज पी एम बी सीज क्या है पेरीफ्रल ब्लड मोनो न्यूक्लियर सेल्स से कलेक्ट किया जा सकता है या फिर डी एन ए नॉर्मल आप किसी से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हार्ट फेलियर पेशेंट्स का तो आप यहाँ पर इस बैंक में स्टडी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि सैंपल्स तभी कलेक्ट किए जाएंगे अगर पेशेंट की मर्जी होगी इन्फॉर्म्ड कंजेंट के साथ पेशेंट से जो एक्चुअल में अपना देना चाहते हैं अगर कोई नहीं देना चाहेगा तो उसका कलेक्ट नहीं किया जाएगा अब देखिए बायोबैंक एक्टिविटी का सुपरविजन जो है वो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है टैक यहाँ पे आई जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसकी फुल फॉर्म आप बताइए मुझे बहुत सी वीडियोज में हमने डिस्कस किया है तो उनके सुपरविजन में ये काम होगा और हार्ट फेलियर एक इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत से लोगों को हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो रही हैं इसलिए इस तरह का जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है उसके बाद हार्ट फेलियर बायोबैंक के लिए मेजर कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट का ये है फंड एलोकेशन अगर आप देखेंगे 85 लाख है डेवलपिंग स्टेट ऑफ द आर्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्योंकि जो स्पेसिमेंस है उनको आपको स्टोर करना है स्टोर करना है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए तो आपको लिक्विड नाइट्रोजन भी चाहिए एटलीस्ट माइनस वन डिग्री तक टेम्परेचर जाए तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग फैसिलिटीज रखी हैं डिग्री सेल्सियस में बात करूँगी माइनस फोर माइनस ट्वेंटी माइनस एट्टी टू माइनस वन फोर्टी ओके okay, तो अलग अलग लेवल्स पे ये स्टोरेज सैंपल्स की करेंगे और जो सैंपल स्टोर किए जाएंगे उनका क्लिनिकल डेटा सचस्ट फिजिजिकल मेजर्स उसका इमेजिंग ई ये सब चीज़ें फॉलोअप डेटा उसका कलेक्ट किया जाएगा हार्ट डिजीजेस के बारे में पढ़ा जाएगा हार्ट फेलियर के बारे में बच्चों में क्यों हो रहा है एडल्ट में क्या हो रहा है तो पूरी होलिस्टिक वे में इसकी स्टडी जो है वो की जाएगी तो देखिए इट विल प्रूव वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मॉलिकुलर पाथवेज एंड वुड इम्प्रूव इम्प्रूव डायग्नोसिस मॉलिकुलर पाथवे क्या है हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस चल रहा है तो उसका एक पूरा पाथवे है मोलिकुलर पाथवे अगर हम उस पाथवे को अच्छे समझ जाए और वहाँ पर क्या डिफेक्ट हो रहा है इनकेस अगर हो रहा है तो वो क्या है उसके बारे में जाने तो हम उस बेस पर ट्रीटमेंट जो है पेशेंट को दे सकते हैं इसी बेसिस पे आपकी वैक्सीन आपकी दवाइयाँ आपके ट्रीटमेंट्स आपकी सर्जरीज होती हैं तो इस पर और भी स्टडी जो है वो की जाएगी हार्ट डिजीजेस अलग अलग तरह की होती हैं वाल्व डिजीज़ हो सकती है किसी को आर्टरी में प्रॉब्लम हो सकती है कार्डियक एरेथीमिया हो सकता है पेरिकार्डिटिस हो सकता है तो अलग अलग हार्ट फेलियर हो सकता है डायलेटेड वेंट्रिकल्स हो सकते हैं तो अलग अलग आप हार्ट का डायग्राम हम हर बचपन में साइंस की सब्जेक्ट में बनाते थे तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी आर्टरीज आर्ट्रीज तो फैटी एसिड डिपॉजिट हो सकते हैं तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हार्ट में सबको हो सकती हैं कार्डियक अरेस्ट क्या है Cardiac इज़ एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम कार्डियक अरेस्ट अक्स वैन द हार्ट माल फंक्शन स्टॉप बीटिंग अनएक्सपेक्टेडली बीटिंग स्टॉप हो जाती है बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझ सके तो हम इसको एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम बोलते हैं और हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है अक्स वैन ब्लड फ्लो टू दार्ट इज ब्लॉक जब हार्ट में ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट ओके इस तरह की टर्म्स आपकी यूज़ की जाती हैं अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे आर्ट्रीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल जो

तो यही था आज का टॉपिक अगर आपकी कोई भी कोर्स रिलेटेड आप जानकारी चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्टडी आई क्यू डॉट कॉम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सारी जानकारी आपको कोर्सेज़ की यहाँ मिलेगी uh, साइट पे जाके नंबर्स दिए हैं अगर आपको तो भी कन्फ्यूजन है नंबर्स पे कॉल कीजिए जानकारी लीजिए स्मार्ट कोर्सेज़ ई एम आई पर भी अवेलेबल है थैंक यू सो मच